आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, आज गाजियाबाद में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। आज पीएम मोदी का रोड शो, पीएम मोदी के रोड शो को लेकर आज कई रास्ते बंद। सहारनपुर में भी रैली करेंगे पीएम मोदी, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर के प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा, सुबह 11:25 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा स्थल पहुंचेंगे, 10:30 का समय बताया जा रहा है जब सीएम योगी जनसभा स्थल पहुंचेंगे। जयंत चौधरी और भूपेंद्र चौधरी भी इस जनसभा में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, सहारनपुर में भी पीएम मोदी का रोड शो और रैली देखा जाएगा। इसके साथ ही सहारनपुर मुजफ्फरनगर के प्रत्याशियों के लिए पीएम जनसभा करने वाले हैं। सुबह 11:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 10:30 जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां जयंत चौधरी और भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है और सहारनपुर मुजफ्फरनगर के प्रत्याशियों की जनसभा करेंगे पीएम मोदी। तो गाजियाबाद में भी रोड शो पीएम मोदी करने वाले हैं। और इसी खबर पर साधा जानकारी के साथ गाजियाबाद से प्रवीण हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, आज पीएम मोदी का कई जगहों पर रोड शो है, गाजियाबाद में भी है, क्या जानकारी मिल रही है? जी दरअसल आपको बता दें, आज गाजियाबाद में जो अतुल गर्ग्या लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके समर्थन में आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आज गाजियाबाद में जो है रोड शो करेंगे। दरअसल बता दें, इनका रोड शो जो है आज 4:00 का इनका प्रोग्राम है गाजियाबाद में आने का, और 5:00 से इनका जो है रोड शो शुरू हो जाएगा। ये जो रोड शो है कामाली वाला चौक से लेकर जो अंबेडकर रोड है चौधरी मोड़ तक जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर का ये रोड शो रहने वाला है। ऐसे में जो प्रशासन ने भी जब इसकी सूचना मिली तो तैयारी कर रही थी, लगातार पुलिस भी चप्पे चप्पे पे तैनात कर दी गई है। दरअसल जिस जो रैली है, इसका जो बताया जा रहा है कि जिस जो रोड शो में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वो अतुल गर्ग के लिए वोट मांगने की बात कहेंगे और अपने संकल्प पत्र की भी बात कहेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि जैसे गाजियाबाद में अतुल गर्ग को जब से टिकट मिला है, तो उनके जो एक छतरे वर्ग के जो नाराज जो एक समाज है वो नाराज दिखाई दे रहा था, जिसको लेते हुए आज प्रधानमंत्री भी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो करने जा रहे हैं। ऐसे में जगह जगह डाइवर्ट किया गया है, और देखने वाली बात होगी शाम तक जब मोदी जी गाजियाबाद में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, विधायकों ने, जितने भी यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ लोग उन्हें मोदी जी को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी कड़ी सख्त चेतावनी देते हुए आसपास के लोगों के वहाँ पर न पहुंचने के लिए कड़ाई से पालन करवा रही है। देखा जा सकता है कि जिस समय ये मोदी जी वहाँ पहुंचेंगे, तो देखने वाली बात ये होगी कि उस समय कितने की भीड़ जुटा सक पाएंगे। जी प्रवीण, अगर बात करें पीएम मोदी की, तो उनकी काफी फैन फॉलोइंग है और जहां भी जाते हैं लोगों का जमावड़ा लग जाता है। अगर गाजियाबाद की बात करें, कितने लोगों की जो है वहां जुटने की उम्मीद है, कितनी बड़ी जनसभा हो सकती है? जी दरअसल बताएं आपको, जैसे कि कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, और कई अन्य दलों के जो पार्षद है, नेता है, वो बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। और जैसे दिल्ली से सटा गाजियाबाद होने से यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी के समर्थक ज्यादा है यहाँ पर। ऐसे में लाखों की संख्या का आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि मोदी जी अपने आप में लोगों को एक उत्साह रहता है मोदी जी को देखने का। ऐसे में गाजियाबाद में मोदी जी आज पहली बार रोड शो करने आए, ऐसे नहीं है कि पहली बार आए, इससे पहले भी जब उन्होंने नव भारत का उद्घाटन किया था, जब भी वो गाजियाबाद में आए थे, लेकिन आज वो जनता के बीच पहुंचेंगे। ऐसे में जनता काफी उत्साहित है और लाखों की संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है। इसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है और रूट डाइवर्ट भी किया गया है, पार्किंग स्थल भी बनाया गया है, और जगह जगह पर इस तरीके के व्यापारियों को भी सम्मेलन में रोड शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे में 3,000 से ज्यादा व्यापारी का जो मंडल है, प्रतिनिधि मंडल है, वो मोदी जी के रोड शो में आने की संभावना उनकी बताई जा रही है। और बंगाल उड़ीसा की जो सांस्कृतिक कलाकृतियां को उनको भी रोड पर सजाया गया है, बच्चे अपना कार्यक्रम भी दिखाई देंगे। कल से ही बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। जी और अगर बात करें, बताया जा रहा है कि रोड शो को लेकर जो है कई रास्तों को बंद किया गया है, तो क्या कौन कौन से वो जगह है जहाँ रास्ते बंद किए गए हैं, कैसे किन किन जगहों पर रूट डायवर्जन किया गया है? जी जी आप
जैसे कि एक किलोमीटर के दायरे में जो मोदी जी का जो रोड शो होगा उसके आसपास के जो इलाके हैं, ऐसे में गाजियाबाद, बसड्डा, चौधरी मोड़, हापुड़ मोड़, मोहन नगर, जो जीटी रोड है, जो जाने वाले जो रास्ते हैं वो एकदम व्यस्त रास्ते हैं, उनको देखते हुए बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्था है उनको लगातार ट्रैफिक पुलिस वहां चप्पे चप्पे पे खड़ी है और लोगों को समझाकर उन्हें डाइवर्ट के रास्ते पर भेज रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी लगातार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती कि सुरक्षा में कोई चूक हो, इसमें सिविल पुलिस भी लगातार वहां पर तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी का रोड शो होगा उसमें लाखों की संख्या के आनों की पूरी उम्मीद है। इसको देखते हुए जनता को भी परेशानी कहीं ना कहीं होगी। इसको कम करने के लिए लगातार ट्रैफिक पुलिस ने 3 दिन पहले ही डायवर्जन कर दिया था। डायवर्जन करने के बाद लगातार पुलिस उनको मेरठ मोड़ से बसड्डा, जितने भी जैसे कि वहां पर मेट्रो स्टेशन भी है उसके पास भी वहां से डायवर्ट करते हुए, फिलहाल अभी मेट्रो स्टेशन नहीं बन के आ गया। जैसे कि 4 बजे का मोदी जी का कार्यक्रम है, उसके बाद हो सकता है कि और भी जो है रूट को डायवर्ट किया जाए। जी, और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सहारनपुर में भी पीएम मोदी रैली करने वाले हैं, यानी एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अगर गाजियाबाद की बात करें, वहां पीएम के अलावा पार्टी के कौन कौन से नेता शामिल होंगे? जी, इसमें जो है पीएम के रोड शो में जो आस पास के जो हमारे गाजियाबाद विधानसभा के 5ों विधायक है वो मौजूद रहेंगे और सांसद है और जितने भी नेता है कार्यकर्ता है वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि दरअसल जैसे जैसे चुनाव आ रहा है चुनावी समर में नेताओं का आना भी एक लाजमी है, क्योंकि जो जो गाजियाबाद की जो 15 साल से जो सीट जो दी गई है वो एक क्षत्रिय समाज को दी गई थी, लेकिन इस बार जो एक वैसे समाज के अगर व्यक्ति को टिकट दी गई है तो इसको लेकर एक खासा वर्ग लगातार जो कि नाराज दिखाई दिया। इसको लेते हुए कल अभी कुछ दिन पहले देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए थे, वो भी जो गाजियाबाद की जनता को मनाने में कम दिखाई नहीं दिए, जिस तरीके से कुर्सियां खाली भी दिखाई थी। तो आज मोदी जी इस गाजियाबाद के रोड शो में अतुल गर्ग के समर्थन में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अतुल गर्ग के प्रत्याशी कमजोर साबित हो रहे हैं, जिस वजह से आज खुद मोदी जी आज गाजियाबाद की रोड शो में शामिल होंगे, क्योंकि दरअसल बता दें जिस तरीके से अतुल गर्ग कह रहे हैं कि वह 8 लाख से वोट से जीत जाएंगे, तो 8 लाख से अगर वोट से जीतने के आसपास है तो फिर मोदी जी को रोड शो में क्यों उन्होंने न्योता दिया? कहीं ना कहीं अतुल गर्ग की जो सीट है गाजियाबाद से खतरे में दिखाई दे रही है, जिसको लेते हुए जब बात केंद्र तक पहुंची तो आज मोदी जी ने अपना गाजियाबाद में कार्यक्रम रखा और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मोदी जी का मैजिक कितना चल पाएगा इस चुनाव में और 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि गाजियाबाद की लोकसभा सीट किसको जाती है। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा, आज 3 जगहों पर जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर में पीएम की रैली में लोगों को संबोधित करेंगे। बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज जनसभा होने जा रही है, इसके साथ ही नगीना में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा है, नगीना में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, इसके साथ बिजनौर और सहारनपुर में भी रैली में लोगों को संबोधित करेंगे। तो 3 जगहों पर ताबड़तोड़ दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। चुनाव के लिहाज से लगातार जो है स्टार प्रचारक नेता पार्टी के जो है लगातार जगह जगह घूमकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनका हालचाल जान रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी तरह से खड़े दिखाई दे रहे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जगहों पर ताबड़तोड़ दौरा है और 3ों जगहों पर जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कई अलग अलग जगहों पर दौरा है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जो ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कि प्रतिदिन 2 से 3 जनपदों का चुनावी दौरा करते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, वहां पर प्रबुद्ध जनसभा जो है उसे वह संबोधित करते हैं। आज इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर से 3 जनपदों में दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में जनसभाएं करेंगे और जनता में भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे। हालांकि आज जो खास बात ये है कि जो जिन 3 जनपदों में 3 लोकसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करने जा रहे हैं वह तीनों 2019 में भाजपा के खाते में नहीं आई थी और विपक्ष इन 3ों सीटों पर चुनाव जीता था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ इस बार इन 3ों सीटों पर कमल खिलाने के लिए
कसकर मेहनत कर रहे हैं और कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि ये शुरुआती चरणों के चुनाव हैं, अभी चुनाव उतना ज्यादा चढ़ा नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में इन लोकसभाओं में जाकर जनता में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कमल खिलाने से इन लोकसभाओं में इस तरह का विकास होगा जो 2019 से 24 तक का नहीं हुआ है। रमन, अगर बात करें सीएम योगी की छवि की, तो फायर ब्रांड नेता हैं और अब जब इन तीनों जगहों पर बीजेपी की पकड़ नहीं है, और ऐसे में सीएम योगी का जो दौरा है कितना अहम होगा, कितना जादू चल पाएगा उनका? बिल्कुल, अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उसके बाद में अगर उत्तर प्रदेश का कोई सबसे बड़ा नेता है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर लोगों जनता से वादे करते हैं तो जनता को कहीं ना कहीं विश्वास ज्यादा होगा, क्योंकि वह सूबे के मुख्यमंत्री हैं और वही योजनाओं को लागू करते हैं प्रदेश की, जिनका जनता को बेनिफिट मिलता है और जनता मुख्यमंत्री के ही कामों की हमेशा कंपैरिजन करती है कि अच्छा काम हुआ है कि अच्छा काम नहीं हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा वहां पर जाना और प्रचार करना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदेमंद होने वाला है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपनी छवि को लेकर भी बड़े कट्टर और बहुत ज्यादा फायर ब्रांड माने जाते हैं, उसके उनके उन भाषणों से और उस तरीके संबोधन करने से भी जनता में जो मैसेज जाएगा राष्ट्रवाद को लेकर और विकास को लेकर, वो एक अलग संदेश जाएगा। जी, और बात करें तो इन तीनों जगहों पर किस तरह से जो है कब सीएम योगी का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि तीन अलग अलग जगह हैं और लगातार जो है सीएम यहां रैलियां करने वाले, जनसभा करने वाले हैं। सहारनपुर में बात करें, सहारनपुर में प्रधानमंत्री की वहां पर आ रहे हैं, उस रैली में योगी आदित्यनाथ जाएंगे, उसके बाद में बिजनौर जाएंगे और फिर नगीना में जाएंगे। नगीना जो की सुरक्षित सीट है, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो अपनी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, सपा ने पूर्जज को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा के लिए जो वहां का समीकरण है वो अलग समीकरण है जो कि योगी आदित्यनाथ को साधना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उन्हें जो पिछली बार जो 16 सीटों पर एनडीए की जीत नहीं हुई थी, इस बार मिशन 80 का ग्राफ लेकर चल रहे हैं, अभियान लेकर चल रहे हैं और 80 सीटों को जीतने के लिए लगभग हर सीट पर भाजपा की अलग प्लानिंग है जिसकी बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ है। जी, सीएम योगी के साथ साथ कौन कौन से नेता जो है इन जनसभाओं में शामिल होंगे? सीएम योगी के साथ में अभी तक जो वहां के जिले के जो लोकसभा प्रत्याशी होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, जो क्षेत्रीय मंत्री होंगे वो शामिल होंगे, साथ में जो वहां का जिले का प्रभारी प्रभारी मंत्री होगा वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में उनके जनसभा में मौजूद रहेगा। जी रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकियों की साजिश और ठिकानों की पड़ताल शुरू, UPATS को कोर्ट से मिली 6 दिनों की रिमांड। बड़ी जानकारी, UPATS को कोर्ट से 6 दिनों की रिमांड मिली है। नेपाल सीमा पर सक्रिय मददगारों का खुलासा संभव, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े तीनों आतंकी हैं गिरफ्तार। तीनों महाराजगंज के नेपाल सीमा से थे, भारत में आने वाले थे। बड़ी जानकारी, महाराजगंज के नेपाल सीमा से भारत में एंट्री करने वाले थे और अब जो है हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ये तीनों आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके लिए जो है UPATS को कोर्ट से 6 दिनों की रिमांड भी मिली है। बताया जा रहा है कि अभी जो है आतंकियों की साजिश और ठिकानों की पड़ताल की जा रही है। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है, मददगारों का खुलासा भी संभव माना जा रहा है। तो नेपाल सीमा पर सक्रिय मददगारों का खुलासा किया जा सकता है जब UPATS की टीम जो इनसे पूछताछ करेगी। 6 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है। तो लखनऊ से ये जानकारी मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आतंकियों की साजिश और ठिकानों की पड़ताल शुरू हो गई है, हाल ही में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था, क्या जानकारी है? आसिफ, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आतंकियों की साजिश और ठिकानों की पड़ताल जो है लगातार जारी है और UPATS को कोर्ट से
जो है तीनों आतंकियों के लिए 6 दिनों की रिमांड मिल गई है। नेपाल सीमा पर सक्रिय मददगारों का खुलासा भी इस दौरान संभव माना जा रहा है। तो 6 दिनों की रिमांड मिली है और ये तीन जो है आतंकी, इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब जो है ये बताया जा रहा है हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं, जिनके रिमांड जो है यूपी एटीएस को 6 दिनों के लिए मिली है। और एक बार फिर से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, यूपी एटीएस को जो है कोर्ट से 6 दिनों की रिमांड मिली है, इन तीनों आतंकियों को लेकर क्या जानकारी है? ये बिल्कुल बता दूं कि लोकसभा चुनाव और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर घुसपैठ की संभावना बढ़ गई है और भारत नेपाल सीमा की बात करें या फिर बांग्लादेश भारत सीमा की बात करें, यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है और घुसपैठ रोकने के लिए लगातार एटीएस भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। अभी 2 दिन पहले यूपी में एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को भारत नेपाल सीमा यानी महाराजगंज जिले से गिरफ्तार किया था, जिसमें सैयद गजनफर समेत अल्ताफ और नासिर अली शामिल थे। इनको एटीएस ने कोर्ट में पेश किया और एटीएस ने कोर्ट से इनकी डिमांड मांगी 6 दिनों की, जिस पर कोर्ट ने अब इन्हें रिमांड दे दी है और पता चला है कि एटीएस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एटीएस के मुताबिक शायद गजनकर और अल्ताफ मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, ये 10 सालों से पाकिस्तान में रहते थे और यह दलील दी गई इन आतंकियों द्वारा कि ये वह क्यों यहाँ आए थे, तो उनका कहना है कि वह घर वापसी करना चाह रहे थे। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो नेपाल सीमा पर सक्रिय मददगारों का खुलासा भी संभव माना जाता है और जा रहा है 6 दिनों के लिए रिमांड पर इन्हें लिया गया है। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, राउज वेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, 6 अप्रैल तक है न्यायिक हिरासत में। इससे पहले 2 अप्रैल को हुई थी जमानत याचिका पर सुनवाई। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, पहले 2 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी और आज एक बार फिर से जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है मनीष सिसोदिया और जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होने जा रही है। 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है सिसोदिया, वहीं इससे पहले 2 अप्रैल को भी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है, क्या जानकारी मिल रही है? बता दें जिस तरह से मनीष सिसोदिया की लगातार 13 महीना करीब समन को समय हो गया तिहाड़ जेल के अंदर, आज फिर जो कस्टडी थी खत्म हो रही है 6 तारीख को, लेकिन आज फिर राहुल कोर्ट के अंदर सुनवाई, देखना यह होगा कि आखिरकार संजय सिंह की तरह ही क्या मनीष सिसोदिया को भी आज बेल दे दी जाएगी, क्योंकि कल ही मनीष सिसोदिया ने एक लेटर अपने विधानसभा में भेजा था कि मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगा और लोगों से मिलूंगा। तो देखिए आज उसकी सुनवाई है, देखना यह होगा कि मनीष सिसोदिया को क्या आज कुछ उम्मीद है कि राहत मिलेगी या फिर और द्वारा आगे डेट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि इस्लाम नीति को लेकर के कई मंत्री अंदर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में मौजूद है बेलगाम दो में, उसके साथ साथ संजय सिंह को अगले दिन जमानत मिल जाती है, तो ऐसे में कहने गई जो मनीष सिसोदिया है उनको उम्मीद लगी थी कि हो सकता है कि मेरी भी रिहाई हो जाए, क्योंकि साथ उनके वकील ने कहा था कि मनीष जी, तो क्या आज संभव है कि आज मनीष सिसोदिया को संजय सिंह की तरह राहत मिल जाए कोर्ट की ओर से? देखिए जो उनके वकील हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि 13 महीने से ईडी लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला, ना ही ऐसा कोई पैसा मिला है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज हो सकता है मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिल सकती है, हो सकता है कि उनकी बेल हो जाए, क्योंकि कल ही उन्होंने एक लेटर जारी किया था, लेटर के माध्यम से पब्लिक को भी संदेश दिया कि मैं बहुत जल्द बाहर मिलूंगा। तो देखना यह होगा कि जब सुनवाई होगी तो आज क्या उनको बेल मिलेगी या फिर उनकी कस्टडी और बढ़ा दी जाएगी आज। जी, और बात करें तो बताया जा रहा है इससे पहले 2 अप्रैल को भी मामले में सुनवाई हुई थी, क्या कहा गया था, क्या कुछ दलीलें दी गई थी?
देखिए उस समय भी जो ईडी तरफ से दलील गई कि जांच बराबर चल रही है, जांच में सहयोग भी कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन जिस तरह जांच का सहयोग दिया गया है इसमें कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इसलिए 6 तारीख की आज कस्टडी खत्म हो रही है और आज जब पेश होंगे तो शायद हो सकता है कि जो तथ्य हैं, जो सबूत दिए गए हैं जिससे संजय सिंह के खिलाफ जारी करके थी उसी को लेकर के आज वही सवाल फिर दोहराया जाएगा उनके वकील के माध्यम से कि मनीष सिसोदिया बेगुनाह है, कि उस राजनीति की जो जड़ थी, मैन जो जड़ थी, वो उन्होंने भी कहा था कि हम नहीं है कोई और है। लास्ट में यही सवाल आता है कि ईडी ने भी कहा था जो सरगना थे वो अरविंद केजरीवाल थे, तो हो सकता है मनीष सिसोदिया जो कोई लेटर लिखा था तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद जागी थी कि मेरी भी रिहाई हो सकती है आज। जी अच्छा, कब से सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि 6 अप्रैल तक बताया जा रहा है वो अभी न्यायिक हिरासत में है। बिल्कुल, देखिए आज ही उनका दिन था और आज उनकी जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है, तो आज 12 और 2 के बीच में वो सुनवाई होगी। अब देखना होगा उस बीच में सुनवाई की जाएगी तो उनके वकील क्या दलील लेते हैं और ईडी क्या उनकी जो तरफ से बयानबाजी की जा रही है, जो आज चार्जशीट तैयार की जा रही है उसको अगर दिया जाएगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया अभी के ऊपर जो जांच कर रही थी उसमें कुछ अभी नहीं मिला, या फिर दोबारा कहा जाएगी उनको जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मनीष सिसोदिया को दोबारा से फिर 27 दिन बढ़ा दिया जाए, लेकिन उम्मीद यही जता रही है कि आज मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं बेल मिलने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राव जमीनी कोर्ट में आज एक बार फिर से मामले की सुनवाई होगी, जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।